शहर में अपराधों का दर चरम पर है। इसी बीच गुरुवार 24 दिसंबर को बेलतरूरी थाना अंतर्गत हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के बड़े शहरों को पीछे छोड़ हत्याओं के मामले में दूसरे नंबर पर आ गई है। और इसी के बीच बेलतरूरी थाना अंतर्गत हत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। दरअसल हुआ ये कि गुरुवार 24 दिसंबर को फिरियादी कुणाल रूढ़े अपनी मुंह बोली बहन को बेलतरूरी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले केक हाउस इस दुकान में ले गया था, जिसके बाद आरोपी कुणाल वाघमारे, आकाश गढ़लिंग, ऋषभ रामटेके ने रोष की भावना से फिरियादी की हत्या करने के उद्देश्य से चाकू, पत्थर और कांच के टुकड़ों से मारने का प्रयास किया, जिसकी फिरियाद फिरियादी ने बेलतरूरी थाना अंतर्गत लिखाई है और पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ भानवी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वो आगे की जांच जारी है। सर, बेलतरूरी थाना अंतर्गत 307 का मामला दर्ज झाला आहे। कोण आरोपी आहे यादी, त्यांचा काही गुन्हा वगैरे दाखल आहेत का सांगाल आपण? दिनांक 24/12/20 खापरी पुनर्वसन येथे केकच्या दुकानात फिर्यादी कुणाल रुडे हा उभा असताना त्याला चिंच भवन येथे राहणारे कुणाल वाघमारे, आकाश गढले आणि ऋषभ रामटेके या तिघांनी त्याचा जीवानिशी ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे पोलीस स्टेशन बेलतरुडीला अपराध क्रमांक 469/20 3/37 गुन्हा दाखल आहे। या तिघांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांचा 29/12 पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात आलेला आहे। सर, कोणत्या कारणाने यांनी हे गुन्हा हे केला आहे? हा गुन्हा एका महिलेच्या छेडखानीवरून झालेला आहे आणि याच्यातला जो आरोपी आहे कुणाल वाघमारे याच्याविरुद्ध 5-6 हर्ट केसेस दाखल आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, NBC न्यूज़ नागपुर।